स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत डोरी वाला नेक डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। ये हमने पेपर पट्टी ली है, इसकी लेंथ हमने 10 इंचेस ले ली है और इसकी विड्थ हम लेंगे 8 इंचेस। ये एक 25 से 27, 6, 8 ऐसे मतलब के आप ऊपर की लड़कियों के लिए ये नेक डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगेगा। 3 इंचेस हम इसकी विड्थ लेंगे इस तरह से फोल्ड करके, और इसकी जो हम अंदर वाली साइड पे हम इसको डीप करेंगे वो होगा तकरीबन 7.5 इंचेस। और इस तरह से आपने इसको यहाँ से हम इसको थोड़े से गोल शेप दे लेंगे। यहाँ से मैं आपको कट करके बता देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इसको कितना ज़्यादा डीप कर लिया है। और अब हम इसके अंदर डिज़ाइनिंग करेंगे, उससे पहले हम कमीज़ की जो बैक साइड है उसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपने देखना है कि पेपर पट्टी कहाँ से पेस्ट हो जाती है, तो आपने कमीज़ की जो बैक साइड है वहाँ पर पेपर पट्टी को पेस्ट करने के बाद जो अंदर वाला फालतू कपड़ा है उसको आपने कट कर लेना है। ये हमने अंदर से कट कर लिया, ये ब्लैक कपड़ा है हमारे पास रेब वाला, इससे हम इसकी पाइपिंग निकालेंगे। इसको आपने कमीज़ की फ्रंट साइड पे रखना है, सीधी साइड पे, और इसको इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक साथ साथ करके आपने पेपर पट्टी के ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। जितना आप साथ साथ करके सिलाई लगाएंगे इतना ही ज़्यादा खूबसूरत पाइपिंग आएगी। ये देखिए अब हमने इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर एक एक हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप पाइपिंग निकालना चाहते हैं तो आप जो कपड़े के साथ वाली पाइपिंग ना करें, बल्कि कोई और कलर आप उसके साथ कंट्रास्ट में, या कपड़े पे कोई फ्लावर बना हुआ है तो आप वो वाला यूज़ कर लें और उसकी आप पाइपिंग बनाएं, तो वो नेक पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आप जितनी बारीक पाइपिंग निकालना चाहते हैं उतनी निकालें, ज़्यादा बारीक पाइपिंग तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखें हमने नेक पे पाइपिंग बना ली है, इसको हमने रख लिया है, और ये हमने डोरी बनाई है और इस डोरी को हम अंदर वाली साइड पे इस तरह से लगाते जाएंगे। डोरी को हम लगाने का आपको तरीका बताएंगे। ये हमने तकरीबन 1.5 इंचेस को कट करके रख लिया है। ये देखें हमने डोरी कट कर ली है। इस डोरी की हम आपको लेंथ बता देते हैं, ये देखें 2.5 इंचेस है। आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, और इसका सेकंड मेथड भी हम आपको बताएंगे। आप यहाँ पर इस तरह से रख के तो ये आपने साथ में सिलाई करते जाना है। ये देखें कमीज़ की सीधी साइड पे आपने रखना है इस डोरी को, और इस तरह से आपने साथ साथ रख के तो इसको सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल जहाँ जहाँ आपको नीचे से पेपर पट्टी नज़र आ रही है उसके ऊपर आप सिलाई लगाते जाएं। इस तरह से सही से गोलाई में सिलाई लगेगी। यहाँ पर ये जो डोरी हमने बनाई है ये थोड़ी हमने मोटी डोरी बनाई है, तो आप भी इस तरह से डोरी को थोड़ा मोटा बनाएं। अगर आप ज़्यादा बारीक बनाएंगे तो यहाँ पर अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इसके अंदर जो आपने डोरी लगानी है वो आपने बिल्कुल बारीक डोरी लगानी है। इसको यहाँ पे रख के हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारा लॉन का फैब्रिक है। हमने सारी डोरी लगा दी है।
अब हम स्टोरी को नेक के अंदर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करके तो हम इसके ये छोटे छोटे लूप से बनाते जाएंगे। इसको यहाँ से पकड़ना है, इसको ये अंदर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें हमने सारे जितने भी गुंडे हैं उसको हमने जो गुंडे से बनाए थे डोरी के उसको हमने अंदर वाली साइड पे फोल्ड किया। ये हमने बारीक डोरी ली है, इसको हम इस तरह से इसके अंदर से अब गुजारेंगे। देखें हमने एक छोटी सी लकड़ी ले ली है और उसकी मदद से ये हमने तकरीबन 3 डोरियां हमने डाल दी हैं। ये हम चौथी डोरी डाल रहे हैं। जितने आपके यहाँ इसके अंदर डोरी जो है वो मुकम्मल तौर पे पूरी आ जाए इतनी आप डाल दें। अब हम नीचे जो लटकन बनाएंगे उसके भी हम आपको 2 मेथड बताएंगे। एक तो ये है कि आप एक साइड से डोरी निकालते जाएं और नीचे वाली साइड से आप लटकन निकालते जाएं। ये हमारा एक मेथड है। देखिए हम आपको दोनों करके बताएँगे। ये देखिए ये हो गया एक मेथड। हम आपको इसको स्ट्रेट कर लेंगे। दूसरा ये है कि आप सारी डोरी अंदर से ही निकाल दें और लटकन जो है वो अलग से आप डाल लें नीचे वाली साइड पे। ये हमने बटन बनाए हैं उसके ऊपर, बिल्कुल हमारे पास सिंपल से बटन थे और हमने कपड़े की मदद से ये सारे हमने बटन बनाए हैं। ये तकरीबन आप गिन लें जितने आपकी बनती हैं उतने आप बना लें इतने बटन। ये देखें तकरीबन 17 हमने तो बनाए हैं। अगर आपकी ज़्यादा डोरी बन रही है, ज़्यादा लूप्स बन रहे हैं तो आप उस पर उतने बना लें। ये देखें ये हमने लटकन इस तरह से अलग से लगा दी है। इसके नीचे हम फ्लावर आपको बनाना सिखाएंगे। और ये देखें ये हमने 17 बटन्स खुद बनाए हैं अपने हाथों से, हैंडमेड बटन हैं। हैंडमेड बटन की तो क्या ही बात है, मेहनत थोड़ी लगती है लेकिन प्यारे भी बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पर रख के तो हम इसको सुई धागे की मदद से अटैच करते जाएंगे। ये देखिए हमने बटन लगा दिए हैं। थोड़ी तो मेहनत लगी है लेकिन प्यारे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीन हमारे बटन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और डोरी देखें बिल्कुल स्ट्रेट सी, वो भी प्यारी लग रही है। तो अब हमारा जो इस नेक पे नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि जो लटकन है उसके नीचे हमने रोज़ फ्लावर बनाने हैं। ये देखिए यहाँ से हमारी लटकन जा रही है नीचे की तरफ। यहाँ पर चाहें तो आप बना सकते हैं गुंडा। ये देखिए इसके हम फ्लावर्स बनाएंगे। ये हमने इसकी जो लेंथ ली है 4 इंचेस और विड्थ भी हमारी तकरीबन इतनी है, लेकिन यानी आपने दोनों साइड से बिल्कुल बराबर रखना है उसको। इस तरह से आपने फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद ये अपनी डोरी इस तरह से रखनी है और यहाँ से आपने ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से आपने इस तरह से ये इस तरह से बन जाएंगे।
आपको फ्लावर ये सुई धागे की मदद से बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए हमने सिलाई लगा के तो धागे को खींच लिया है, ये देखिए उसको सही से मजबूत कर लें। जितना ज़्यादा मज़बूत करेंगे उतना ही ज़्यादा ये धागे जो हमारे लटकन के धागे हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। आप इसको धागे को कट कर लें और नीचे जो फालतू कपड़ा है उसको भी कट कर लें और इस तरह से आप इसको पलट लें। आपको दूसरा भी फ्लावर बना कर दिखाते हैं, फिर हम आपको एक दफ़ा ही दोनों फ्लावर दिखाएंगे। या इसी तरह से करके उनको आपने स्ट्रेट रखना है और इस तरह से आपने इसको सुई धागे की मदद से सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमारे लटकन दोनों रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसके अंदर वाइट कलर का एक एक मोती भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप इसी तरह से इसको सिंपल भी रख सकते हैं। ये हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल स्टिचिंग एंड कटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।